नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार फेसबुक पेज वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये फार्म ट्रैक चैंपियन ट्रैक्टर है 2013 मॉडल। आज इसका डीजल एवरेज निकालेंगे रोड के ऊपर और देखें भाई तो बात करेंगे। बाकी भाई ने स्पेशल बुलाया था क्योंकि चैंपियन की आज तक ट्रैक्टर की वीडियो नहीं बना ली थी मैंने, तो इसलिए भाई ने स्पेशल इन्वाइट करा था भाई आ जा भाई मेरे ट्रैक्टर बना कर जा एवरेज निकाल कर जा, क्योंकि जमींदार भाइयों को पता लगा भाई कैसी क्या चीज़ है। तो भाई तो पूछा है क्यों करके चलाओगा। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई जी क्यों कर चलाओ ट्रैक्टर नहीं भाई जी? 2000 RPM पर चलावेंगे। हाँ, टॉप गियर में। ठीक ठीक, वो टोल तक चल रहा है। जब हम 2.5 किलो पहले आओगे तो हम पहले आ जाएंगे ना, तो वहाँ तक घूम कर जो किलोमीटर होंगे पता लग जाएगा। पीछे मैं गाड़ी में जीरो कर लूँगा। ठीक है, तो एक बार मीटर भी दिखा दो, टैंक दिखा दो, डीजल टैंक हमने अलग तक लगा रखा है इसमें। यहाँ से तो ले दिया नोजल का और पंप का वापसी, और ये इंजन के लिए इनलेट दे दिया। जो इंजन वाली टंकी है वो ट्रैक्टर टंकी वो अलग से डिसेबल कर दी, और जो डीजल टैंक है ना हमने पूरा 2 लीटर पर रखा है ये यहाँ पर। इस पॉइंट पर आप देखोगे पूरा 2 लीटर पे है ये, और 13 से 28 का टायर है। इनमें पानी डलवाया आपने कभी? ना, सिंपल हवा बिल्कुल। चलो आप ट्रैक्टर स्टार्ट करो। चलो ट्रैक्टर चलेगा वो ये पीछे गाड़ी में जीरो करके तब चलेंगे। ये देख लो जीरो मैंने पहले कर दी थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखेंगे ट्रैक्टर का कितनी क्या टॉप स्पीड लेगा ट्रैक्टर, सारी डिटेल कोशिश करेंगे पूरी पूरी। बाकी भाई ने स्पेशल बुलाया था कि भाई आपने चैंपियन ट्रैक्टर की वीडियो नहीं बना ली आज तक, एवरेज माइलेज निकाल कर रोड पे देखा नहीं है, तो आप आओ। बड़ा अच्छा लगा भाई मेरे को भाई से मिलकर, क्योंकि जमींदार भाइयों के लिए बोले भाई किसी के पास अगर ये ट्रैक्टर लेना चाह रहा है कोई या फिर है किसी के पास, तो वो बंदा इसको ट्रैक्टर चला के अपना आराम से देख सका भाई कितना क्या डीजल लेगा रोड पर। ये ट्रैक्टर हमने ये आ गया ट्रैक्टर भाई, अब चलेंगे ये पीछे पीछे और इसकी स्पीड का देखें कितनी की स्पीड लेगा ट्रैक्टर रोड पर। अगर बीच में कोई क्वेश्चन आया भाई, थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत है फिलहाल, तो मैं स्पीड वैसे बता देता हूँ। उसकी स्पीड है 23 के करीब, स्पीड है लगभग 23 की स्पीड है, 23 की आते टाइम शायद आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा। अभी मैच नहीं हुई है स्पीड, अब मैच है स्पीड, 22-23 की स्पीड है इसकी ट्रैक्टर की जो रोड पर चलेगा ये। हम इसे ना 2.5 किलोमीटर लेके जाएंगे, आगे थोड़ा सा टोल है, टोल कूदने में थोड़ा मेरे को भी टोल देना पड़ेगा, और दूसरी बात फिर भाई टोल का टाइम भी लगेगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना अगर वहाँ तक 2.5 किलोमीटर वैसे 2 मिनट तो है हो जाने की, आते टाइम दिखाऊंगा मीटर, क्योंकि अभी फिलहाल विजिबिलिटी आ गई आगे आगे थोड़ा दिख रहा है। तो 23 की स्पीड, अगर कोई बीच में क्वेश्चन आया कोई भी जैसे रुकावट आ गई ट्रैक्टर को चलाने चलाते टाइम में, जैसे कुछ भी कोई साधन बीच में आ गया, ब्रेक लगाने पड़ गए किसी भी कारण से, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा दिखाता रहूँगा, कोशिश करूँगा दिखाने की भाई, ताकि रियल कोई भाई किसी जमींदार भाई कोई ट्रैक्टर को खरीदना चाह रहा हो तो अपना ट्रैक्टर खरीद सके इस चीज़ से, इससे देख के आइडिया लगा सका भाई कि ट्रैक्टर कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, अपना गैस कर सके है। तो इसका यही है भाई मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का भी। तो अभी चल रहा है भाई, देखो स्पीड इसकी 22-23 की स्पीड है रोड पे, 13 से 28 के टायर में, पर बाकी 2013 मॉडल होते हुए भी साफ ट्रैक्टर रख रखा है भाई ने बिल्कुल प्यार थे, बड़े अच्छे तरीके से दिल तक लगा के। देखो ये हो है जमींदार की अपने मशीन से कितना प्यार करना, छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जमींदार की तो जो गाड़ी कहे हैं भाई ट्रैक्टर ही कार है जमींदार की। तो 1 किलोमीटर करीब आ गए हम, अब बचा थोड़ा बचा और मतलब 1.5 किलोमीटर और बच गया। कॉन्स्टेंट एक स्पीड पर चल रहा है ट्रैक्टर 2000 RPM करके, और जो ये जो अभी ट्रैक्टर जो चल रहा है ये है झांझ कला, झांझ कला गांव है, जींद से नरवाना रोड पर चल के शुगर मिल से निकल के है आगे, फ्लाईओवर आता है पहला, फ्लाईओवर के जस्ट बाद में ये फ्लाईओवर से झांझ कला के गांव के अंदर ही है फ्लाईओवर, खुर्द में तो ये ग्रिल लगी हुई है साइड में। और जो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं ये चल रहे हैं अपना सबवे होता जो साइड में, तो उस रास्ते पे चल रहे हैं फिलहाल हम ट्रैक्टर को लेकर। ये सारी चीज़ का अभी 22-23 की वो स्पीड है ट्रैक्टर की, 22-23 ये स्पीड आ रही है ट्रैक्टर की, एक अनुमान है लगभग 22-23 की। वैसे एस्कॉर्ट का एक बड़ा अच्छा काम है कंपनी का भाई, ये कंपनी ट्रैक्टर के ऊपर स्पीड गियर स्पीड चार्ट लगा के देती है प्रॉपर, ताकि जमींदार को चलाने में आसानी हो जाए, जमींदार को पता लग जाए भाई कौन से गियर में ट्रैक्टर कितनी स्पीड चलेगा कितने RPM पे, RPM भी लिख रखे होते हैं,
हो गया 2.5 किलोमीटर तो नहीं होगा, हो जाएगा 2.5 किलोमीटर लगभग लगभग, क्योंकि एक हो गया पूरा टोल 2.5 किलोमीटर है भाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का टोल का गेट का रखा है और 2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मेरे हो गए, 1.5 किलोमीटर से ऊपर चला गया कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, और टोल गेट ये 1 किलोमीटर का ही लेके रखा है यहाँ पे, तो ये ट्रैक्टर चल रहा है भाई, इसमें देखा यहाँ पर अपना 22 तेज की स्पीड है ट्रैक्टर की, सब कुछ है अपना सही चीज़ है, 1.6 है भाई ने पहले बताई थी भाई कम से कम भी हो जाएगा 2.5 किलोमीटर के करीब, अब दिखा था थोड़ा आप लोगों को भाई, संदीप भाई ने पहले बता दी 2.5 किलोमीटर के करीब होगा टोल भी, बीच में कोई क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आएगा तो नहीं, फिर भी 1% चांस है भाई आने के, कुछ भी साइड से निकला है या रोड पे, क्योंकि सड़क पर चलेंगे तो कुछ भी हो सके भाई, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है रोड के ऊपर, और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई हमारी, जो सेफ्टी है सेफ्टी को ध्यान में रख के ही ट्रैक्टर को चलाना है, ऐसा नहीं कि भाई ट्रैक्टर को बिना सेफ्टी के चलाना है हमने, अब जैसे 2 किलोमीटर हो गया वो 500 मीटर का बोर्ड आ गया टोल 500 मीटर, ये यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गए, और इसमें अब हम आगे चले हैं 2.5 किलोमीटर पहले जाकर मैं गाड़ी रोक लूँगा, ताकि 2.5 किलोमीटर ट्रैक्टर ना वहाँ तक घुमा दे, वापस घुमा के ट्रैक्टर को ले आएंगे, यहाँ तक ट्रैक्टर घुमा देंगे भाई, क्योंकि आगे टोल आ गया है और टोल पर जाना ठीक नहीं रहेगा, ये पूरा 2.4 हो गया है, 2.4 से ऊपर है थोड़ा, चलो टोटल किलोमीटर निकाल लेंगे वो तो ट्रैक्टर के, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रैक्टर को थोड़ा सा आगे से घुमा देंगे, ताकि मैं भी गाड़ी बिल्कुल बोर्ड के पास तक घुमा दूंगा, ट्रैक्टर वहाँ तक घूम जाए, ब्रेकर के पास तक घूमा होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोशिश करेंगे 2.5 किलोमीटर पूरा करने की, ट्रैक्टर थोड़ा आगे तक घुमाया जानबूझ के, मैं गाड़ी भी वहीं ब्रेकर के ऊपर से घुमाऊंगा, अब ट्रैक्टर दोबारा फिर पकड़े तो 2000 RPM का ट्रैक्टर चला गया वापस, तब गाड़ी में बैठ के जहाँ तक वो ट्रैक्टर घूमया है वहीं तक घुमा देता हूँ, ताकि जो किलोमीटर का एयरफेयर है ये देखो ब्रेकर के हाथ घुमाया था ट्रैक्टर यहीं तक मैंने घुमा दी, लगभग 2.5 किलोमीटर होगा, मैं देखो ये हुआ 100 मीटर का फर्क रहेगा थोड़ा बहुत, अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दे, वैसे ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ओवरटेक कर गया, एक ट्रैक्टर आया था बीच में जिसको पहले ही ट्रैक्टर आगे निकल गया, वो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन बनने के चांस थे, सामने से कुछ व्हीकल आ जाए बाइक वगैरह आ जाए, ये ट्रैक्टर आ गया भाई बीच में, इसके ट्रैक्टर चलो पीछे चलते हैं भाई, ईंट का ट्रैक्टर लोड का ट्रैक्टर, शायद उम्मीद है ये आगे निकल ही जाएगा, थोड़ा उठने में टाइम लेगा तो हमारी कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहा है ये 22 तेज की स्पीड पे, तो इस तरीके से चलते रहेंगे पीछे पीछे ट्रैक्टर के, ताकि उस ट्रैक्टर को निकलना होगा तो निकल जाएगा वो भी, ये है भाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आगे निकालने का इशारा कर दिया भाई ट्रैक्टर दिखा रहा है, ये आ रहा है
मेरी भाई ने स्पीड बढ़ा दी क्योंकि ओवरटेक करना जरूरी था इसके लिए भी भाई, इसको भी जल्दी होगी बेचारे को जाने के लिए, जगह दिखा देना जरूरी थी, किसी को रास्ता देना अच्छी बात है। वैसे हमारे वाले जो एवरेज निकाले इंस्ट्रक्टर के सामने कोई क्वेश्चन नहीं आया। स्पीड एक स्पीड में चल रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड हुआ है 22-23 की, डिजिटल मीटर ना होने के कारण भैया जो थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो जो ऐसा भी है भैया आपके सामने ही है जो भी है, जैसे जमींदार भी देखना चाह रहे थे, संदीप भाई साहब भी देखना चाह रहे थे, अपने ट्रैक्टर का जो ओनर है ट्रैक्टर के, उनका नाम संदीप है, तो वो भी देखना चाह रहे भाई ट्रैक्टर कितना क्या डीजल ले लिया थोड़ा सा। और भाई जैसे मैंने आज तक वाकई में इस ट्रैक्टर की वीडियो बनाई नहीं थी चैंपियन की। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, बहुत सारे जमींदार कह देते हैं भाई इस ट्रैक्टर के माइलेज निकाल। देखो अगर जो जमींदार जिसके पास ये ट्रैक्टर है वो बुलाएगा तभी तो भाई मैं जैसे वीडियो निकाल वीडियो बना पाऊँगा उस ट्रैक्टर की। और जो डीजल है वो मैं अपना खुद का अपनी जेब से लगाऊंगा, डीजल के लिए आप लोगों को ऑर्डरने की जरूरत नहीं है, डीजल मेरा होगा अपना, ताकि भाई जमींदार को कोई नुकसान ना हो। तो अभी हम इसके 4 किलोमीटर आ गए भाई ट्रैक्टर को लेकर, 4 किलोमीटर के करीब आ गए लगभग स्पीड जो आपके सामने है ट्रैक्टर की। और अब दिख है वो ट्रैक्टर तो अच्छा, हाँ यहाँ गड्ढा था ना, गड्ढे में स्लो होया था अगला ट्रैक्टर, क्वेश्चन होने की उम्मीद है 1%, यहाँ नहीं मतलब ट्रैक्टर आगे अटकेगा बस उसकी वो कम उम्मीद है, हल्का सा जंप था ट्रैक्टर के सामने। 22-23 की स्पीड मैच होगी जब ट्रैक्टर के साथ मैच होगी स्पीड, तो 22-23 की स्पीड लगभग एक अनुमान लगा रहे हैं भाई हम, ये फिक्स तो देखो क्या बताऊँ, फिक्स तो 3 किलोमीटर होता तो फिर भी 1%, क्योंकि फिक्स एक चीज़ और भी है जो लैब टेस्टिंग है और ग्राउंड लेवल टेस्टिंग, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ट्रैक्टर ऑफ रोड व्हीकल में आता ही है, तो ये अपना जो हम जो चेक कर रहे हैं ग्राउंड लेवल टेस्टिंग है भाई, कई बार जैसे ढलान का हो जाता है, ऊंचाई का हो जाता है, ट्रैक्टर में एयर प्रेशर का हो जाता है, ट्रैक्टर की टायर की घिसाई का ही फर्क पड़ता है, तो हम लैब टेस्टिंग को चैलेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि ग्राउंड टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग दोनों चीज़ें एकदम डिफरेंट पार्ट हैं। ये समझदार जो भाई हैं वो सारे समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता उनको ही पता लग जाएगा, समझदार तो सारे किसान भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये देख रहे हैं बनुमाना कितना क्या। अब हम जा रहे हैं नरवाना से जींद की तरफ, ये झांझ कला है, झांझ कला गाँव की तरफ, और गांव में एंट्री करते ही बिल्कुल वहीं से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, वहीं पे दोबारा रोक देंगे। तो इस तरीके से ये आ गया बैठेले खड्डे भरने कूड़े के, पता ना किस चीज़ के पास 4.6 किलोमीटर हो गया, और लगभग हमारा भी स्टेशन आने वाला है अभी। स्पीड वही 22-23 की स्पीड पर चल रहा है ट्रैक्टर, जैसे 2013 मॉडल देख कर लगता। वैसे बहुत सारे जमींदार रखे हैं ऐसे, बिल्कुल संभाल के चीज को, 12-13 मॉडल लग नहीं रहा ट्रैक्टर है, लेकिन 13 मॉडल ही अब हम कह दिखा फालतू में। 4.6 600 मीटर और हमारा एरिया हो गया लगभग कवर, ओ पूरा 5 हो गया भाई, पूरा 5 हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, वाह। अच्छा यहीं रुकना है, ट्रैक्टर घूम गए, बंद कर दो। ये देखो पूरे 5 किलोमीटर हो गए ट्रैक्टर के, आ जाओ भाई साहब नीचे आ जाओ, और वही जगह है अपना तेल डालने वाला, अब डाल लो आप तेल, तो 8 तोरे की एवरेज दे रहा जी, आधा लीटर दे रहा है, तो सर्विस तो नहीं हुई है, जिस दिन सर्विस कराया गया चलाऊंगा ना खेत में उस दिन कराऊंगा सर्विस। अच्छा, हाँ करीब काम ना था, खड़िया है काम करके खड़िया कर, बस छोड़ दो, आप सीट पर बैठ जाओ,
रुक जाओ भैया, देख जाइयो तेल कितना तेल है भी हाल में इसमें। बात वो एक है, पंपर नहीं उधर है, लाइट का फर्क पड़ेगा थोड़ा। ना तो 900 ना तो 900.1 है। कोई नहीं, वो तो फिर बाद में भी यहीं रखेंगे ना हमें। ये देखो ये डार्क लाइन है ना पूरी 900 पे है, या जो डार्क लाइन इस कोने पर देखो 900 पे पूरी लाइट तो ऊपर जा रहा है, डार्क की बात है मेन तो। चलो बैठो, ये डालना आपने, अगर मैं डालूँ खंडन का डरता नहीं है, देख लो अपना जो कोई ना रख जा, ले मैं डाल लो, कोशिश कर लो, आज तड़का भी डालने की कोशिश करी थी मैंने एक बार। आपकी तो प्रैक्टिस है भी। कई बार निशाना चूक गया है। लो ये बाप डाल लो, ये तो ये दिक्कत ना आवे। डाल दे बता, आधा पाइया करो डलेगा, एक स्पीड पे डाल ले जाओ, मैं अपने आप बता दूंगा आपने कड़ रोकना होगा। तेज कर लो थोड़ा बेशक तो सही। रोको। ओके हो गया जी, आ जाओ ले भाई, एक बार ट्रैक्टर हिल रहा है थोड़ा, जग नाग रख दे तब तक, जग भी हिलना बंद हो जाएगा। इससे निशान दे ही कर देते हैं, पूरा निशान ये पड़ा हुआ भाई ट्रैक्टर के ऊपर। ठीक है जी, एक बार देख अल्लाह है भाई, नहीं नहीं देखो ध्यान से, काली लाइन देखी थी ना उस टाइम पे भी, यह पूरी प्रॉपर है। यो कर दिया हमने पूरा 2 लीटर पे इस पॉइंट पे, इस जग में देखें अपने में जग में कितना है, 4 पॉइंट डार्क थी ना हमारी डार्क, या इस पॉइंट पता रही है 4.8 पे, इस पार्ट तो थोड़ी ही ऊपर जा रही है। चलो 8 पे मान लेते हैं थोड़ा, चलो मान लो इतना थोड़ा गना, मान लो कोई नहीं गना, थोड़ा ले रहा पहले बेचारा। 1 2 3 4 5 5.2 ला लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5.2 है इसका, तो कैलकुलेटर काट रहे हैं हमें, आप भी काट लो, काट लिया आप भी काट लो, 5 भाग में 0.5 2 5 भाग में 0.5 2 9.6 एवरेज दे रहा है। अरे 2000 RPM जरूर चलाया हमने, जो भी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आया अपने बीच में, बाकी तो ट्रैक्टर के ब्रेक लगाने पड़े हों, ट्रैक्टर बिल्कुल फ्लैट गया है, फ्लैट आया है, टोल के वहाँ तो पूरा 5 किलोमीटर बन गया, ब्रेक आपने मोड़ा ना जी साहब, पूरा 5 किलोमीटर बन रहा है अभी यहाँ पे गाड़ी में, तो 9.6 एवरेज दे रहा है बाल में, हाँ कर देगा वो उसका, मैं कर भी दे 10 भी कर दे, तो यह चीज़ आई इसकी ट्रैक्टर की एवरेज, कोई दिक्कत कुछ कुछ नहीं मेरे ख्याल में, जचा की ना किसे गया, जचा की शामी है जो भी है, देव है ट्रैक्टर जी, देव है ट्रैक्टर एवरेज, अच्छे ट्रैक्टर एवरेज देव है, ऐसी बात देखो एक बार बताओ इविया किसे का नहीं, जचा 2013 मॉडल है भाई, मुश्किल से जचा, फिर चीज ऐसा कुछ नहीं, आपने चीज रखने के ऊपर बात है ना, जमींदार चीज ने जी ला कर रखेगा तो उस चीज का देखो साथ, जमीन मशीन भी साथ दे, अपना शरीर भी साथ दे इस चीज में, तो ये था एवरेज इसकी 9.61 की आई, 1 लीटर में 9.61 किलोमीटर चला है ट्रैक्टर। अरे तो 2000 RPM पर दौड़ थोड़ा करते हैं, दौड़ फालतू जागा यो, स्पीड कितने की आई, हाँ स्पीड इसकी थी 22 तेज की स्पीड थी ट्रैक्टर की, कुल 26 RPM है इसकी टोटल, 26 है 26-27 है फुल चलावा दो, 25 है प्लस है, अच्छा अच्छा कोई नहीं, वो तो फिर वाली बात दूसरी हो जाए, जो हमने जो सिचुएशन क्यों हम, मैं ज़्यादातर 2000 पर चलाऊँ हूँ, बाकी से ट्रैक्टर एक वेरिएशन ले लिया, हमने 2000 ही पकड़ ली भाई, इस पर चलाने सारे ट्रैक्टर इस पर चलाने हैं, तो इसमें टॉर्क पोर का कोई रोल है, खाली ट्रैक्टर चलाना रोड पर, तो यदि कोई दिक्कत है खुश हो गए पूरे। चलो जी वाकई में इतने 40 HP ट्रैक्टर ने 9.5 की एवरेज पहली बार मैंने देखा, हाँ मैं भी 8 की सोच रहा था, 8 प्लस दे देगा, पर 9 तो ही सोच रहा था।
ना ना 9.61 की दे रहा है एवरेज यू फिलहाल 2000 RPM पे 13 से 28 का टायर है। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी चीज रख रखी संभाल ना जी ना, धन्यवाद तो मैंने कहना पड़ेगा, आपने स्पेशल बुलाया, मैं तो आपने चैंपियन ट्रैक्टरी वीडियो नहीं बना लिया आज तक, वैश्की बना के लेके जा जरूर, क्योंकि जमींदार ने पता भी लगा ना चीज का, उससे का मेन स्वाद है जी। चलो जी धन्यवाद जी आपका, भाई जैसी वीडियो लगे प्लीज कॉमेंट करें जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।